दोस्तों अगर Redmi Note 5 Pro यूजर्स बहुत खुश थे क्योंकि कल फाइनली Xiaomi ने MIUI 9.5.6.0 का अपडेट रोल आउट किया था और Xiaomi ने इस खुशी को इधर खत्म कर दिया है। जी हाँ, कल आप सबको इधर MIUI 9.5 का अपडेट आया था पर Xiaomi ने उस अपडेट को सस्पेंड कर दिया है। अब इधर अपडेट सस्पेंड इसके लिए किया गया है कुछ रीजन के कारण इधर Xiaomi ने MIUI 9.5 का अपडेट इधर सस्पेंड कर दिया है। आपको कोई इधर अपडेट नहीं आया होगा और जिनको इधर MIUI 9.5 का अपडेट आया था, जो लोग डाउनलोड कर रहे थे और उन लोगों का डाउनलोड बीच में स्टॉप हुआ था क्योंकि Xiaomi ने इधर पुल बैक कर दिया, अपडेट इधर सस्पेंड हो चुका है और कुछ कुछ लोगों ने तो MIUI 9.5 में भी इधर अपडेट कर लिया और जिन्होंने अपडेट कर लिया उनको बहुत से इधर बग्स फेस करने पड़ रहे हैं। Xiaomi Redmi Note 5 Pro यूजर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे क्यों Xiaomi ने इधर अपडेट को सस्पेंड किया है, अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट MIUI 9.5 का कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमको कौन से MIUI 9.5 में फीचर्स इधर देखने को मिलेंगे। तो कल इधर Xiaomi ने MIUI 9.5 का अपडेट दिया, उसके 2 घंटे के बाद इधर अपडेट सस्पेंड कर दिया क्योंकि MIUI कम्युनिटी में भी जब थ्रेड रिलीज हुआ था कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro को MIUI 9.5 का अपडेट मिला है, वो थ्रेड को भी डिलीट किया और रोल आउट सस्पेंड कर दिया। चलिए इधर बात करते हैं कि सस्पेंड क्यों किया गया है इधर Redmi Note 5 Pro का ये MIUI 9.5 का अपडेट। ये अपडेट बहुत बग्स के साथ आया था। अगर मैं सबसे पहले बग्स के बारे में इधर बात करूं तो इधर कैमरा परफॉर्मेंस पूरी डिग्रेडेड हो गई थी। जिन लोगों ने जल्दी अपडेट कर लिया था MIUI 9.5 में, अभी उनका कैमरा अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है, अभी वो पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींचने की ट्राई कर रहे हैं तो उधर कैमरा ऑब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में ब्लर इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट पे फोकसिंग प्रॉब्लम इधर आ चुका है कैमरा में इस अपडेट के बाद। और दूसरे बग्स के बारे में इधर मैं अगर बात करूं तो ड्यूअल वोल्टी फीचर आपको इस अपडेट में देखने को मिलेगा। जब कल यूजर्स ने MIUI 9.5 में अपडेट किया था ड्यूअल वोल्टी का फीचर उनको मिला था पर वो फीचर काम ही नहीं कर रहा था। अगर ड्यूअल वोल्टी का फीचर इधर Xiaomi दे रहे थे वो काम ही नहीं कर रहा था कल। और नेटवर्क इश्यूज बहुत जनों ने इधर फेस किए इस Redmi Note 5 Pro के अपडेट में। और अगर मैं इधर बात करूं तो बहुत लोगों ने बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इश्यू भी इस अपडेट के बाद फेस किए। तो जिन यूजर्स ने अपडेट नहीं किया था तो वो बहुत लकी यूजर्स है क्योंकि अगर आप अपडेट करते थे तो आपका पहली बार तो कैमरा इधर खराब हो जाता था, बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इश्यूज हो जाते थे और ड्यूअल वोल्टी फीचर भी काम इधर नहीं करता था। पर अभी Xiaomi ने इस अपडेट को सस्पेंड कर दिया है। मुझे इधर समझ में नहीं आ रहा कि Xiaomi इधर क्या कर रहा है, उसका इतना बीस्ट फोन ये Xiaomi का Redmi Note 5 Pro उधर फोकस नहीं कर रहा है। मुझे लगा कि Xiaomi ने कल जल्दी इधर अपडेट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर अब अगर मैं इधर MIUI 9.5 के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस MIUI 9.5 के अपडेट में आपको Android 8.1 Oreo देखने को मिल जाता है, ड्यूअल वोल्टी 4G देखने को मिल जाता है, फुल स्क्रीन जेस्चर्स भी इस अपडेट के साथ आपको मिलेंगे और MIUI 9.5 के कुछ फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अब चलिए इधर देखते हैं कब इधर अपडेट आता है क्योंकि एज पर अगर एक्सपेक्टेशन में अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि Xiaomi का ये MIUI 9.5 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा मई के एंडिंग में या जून 5 से पहले देखने को मिल सकता है क्योंकि जून 7 को एक फोन भी लॉन्च होने वाला है Xiaomi का, तो उससे पहले ही आपको इधर अपडेट देखने को मिलेगा। Redmi Note 5 Pro में आपको MIUI 9.5 का अपडेट मई एंडिंग तक देखने को इधर मिल सकता है। जब ये सारे बग सॉल्व होंगे तभी Xiaomi इधर रोल आउट करना शुरू करेगा। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जनरल के साथ बने रहिए, एंड्रॉइडर्स जनरल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नॉनस्टॉप टेक न्यूज़, OTA स्टडीज और टेक से रिलेटेड कंटेंट के लिए।